सजना दाल, अकेली रहूंगी बादल अपना साथे में गले की सजना दाल, अकेली रहूंगी बादल। जब ये गीत गाया साझे में दाल नहीं गलेगी मैं तो अकेली रहूंगी, इनके ससुर ने सुना हमारे घर में रेडियो नहीं टेलीविजन नहीं, पर ये आवाज कहां से आई, बहुत सुरीली आवाज आ रही है, ये भी कान लगा करके सुनने लगा। पर एक दिन दो दिन चार दिन रोज यही गीत बजने लगा। एक दिन पिता ने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को बुला करके कहा बेटा एक काम करो, तुम्हारी पत्नी साथ नहीं रहना चाहती तो एक काम करो तुम शहर में चले जाओ, किराए का कमरा ले लो और वहां पर रहना शुरू कर दो, झगड़े से अच्छा है अलग अलग रह। अब इसने कमरा लिया किराए का और वहां पर रहने लगा। एक छोटा सा बच्चा हो गया इनको, एक दिन बच्चे को लेकर के मेले में गए घूमने के लिए। अब बच्चा खिलौने देखने लगा, उंगली छूट गई और ये बात करते करते पति पत्नी आगे निकल गए, भीड़ में बच्चा खो गया। अब पत्नी रोने लगी, बच्चा कहाँ है, बच्चे को ढूंढ करके लाओ। पुलिस में नाम लिखाया, कहीं नहीं मिला बच्चा। रात भर परेशान रहे लेकिन सवेरे एक व्यक्ति लेकर के आया बच्चे को, ये बच्चा आपका है क्या, इसकी जेब में ये कार्ड मिला था। कहा ये हमारा ही बच्चा है। बस माँ उस बच्चे को छाती से लगा करके रोने लगी। पति ने कहा काहे को रोती, अब तो बच्चा मिल गया, अब काहे को रोती है। कहा रो इसलिए रही हूं, जाओ जल्दी से ट्रक लिवा करके ला। कहा ट्रक का क्या करोगे, कहते अब हम यहां नहीं रहेंगे, अब हम गांव में रहेंगे। मेरा बच्चा मुझसे एक रात अलग रहा है, मैं नींद नहीं आई, मुझे सो नहीं सकी, मुझे भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, लेकिन जिस माँ के बच्चे को मैंने उससे अलग कर रखा है वो माँ कैसे रहती हो। अब हम घर रहेंगे और चलो जल्दी से ट्रक मंगा करके सामान लाद करके घर पर पहुंचे। किस बच्चों ने जाकर के कह दिया बाबा तुम्हारा बेटा आ गया है, तुम्हारा बेटा आया है। बूढ़ा आया और आकर के कहता बेटा यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे देता हूं, जाओ शहर में ही रहो, किराया देने के लिए यदि पैसे नहीं है तो मैं जमीन बेच दूंगा, तुम अपना मकान खरीद लो। ये कहता नहीं पिताजी अब तो हम यहीं रहेंगे, आज हमें पता चला है माता पिता के कितने उपकार होते हैं। हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, आपके एहसान इतने हैं कि ना सकते नहीं, हम कभी we
पता चल गया है माता पिता के कितने उपकार हैं, माता पिता से पुत्र को बिछड़ने पर कितना कष्ट होता है। देख ले हमको दुखी तो भर ले अपने नैन ये, एक हमारे सुख की खातिर तड़पते दिन रैन ये, भूख लगती प्यास ना और नींद पिताजी हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिता ने कहा बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया चलो घर चलो। और जब घर जाकर के देखा तो घर सुनसान पड़ा हुआ है, जाले लगे पड़े हैं, कहीं रात पड़ी है। कहा माँ कहाँ है? कहा बेटा अब तुम्हारी माँ संसार में नहीं है, वो तुम्हारे वियोग में रोते रोते आंखों से अंधी हो गई और उसने संसार को त्याग दिया। मैं तुम्हें सूचना नहीं दे पाया क्योंकि तुम्हारा पता मुझे नहीं था तुम कहां पर हो, इसलिए मैं तुम्हें खबर नहीं कर पाया। बस ये सुनना था। आज माँ की याद आती है कि अब, और माँ के उस समय को याद करो जब तुम छोटे थे। वो तो गए बूढ़े, पर जरा देर के लिए छोटे बन जाओ और छोटे बन करके याद करो। बड़े प्यार से थपकी दे चल का दूध पिलाया माँ, बड़े प्यार से थपकी दे चल का दूध पिलाया माँ, भूख से ठंडा कर कर के रो टीका कोर खिलाया माँ, गा कर लो सोचना। पहले अलार्म घड़ी थी क्या? पहले नहीं थी, पर माँ कब जगती थी? सारे लोग सोते रहते थे और माँ सबसे पहले जग जाती थी। चिड़ियों के जगने से पहले रोज सुबह जग जाती करके सह जाती मां, धागा बन कर बिखरे मोती सभी समेटे रहती मां, मां तुझ में है नूर प्रभु का, मां तुझ में है नूर प्रभु का, ईश्वर की
माँ तूने मुझे याद तो किया होगा पर मैं स्वार्थी बन करके मैं तेरी आवाज को नहीं पहचानता। देखो मोबाइल हो या ना हो लेकिन परमात्मा प्रेरणा करता है। परमात्मा ने एक मोबाइल हमको दे करके भेजा है, वो कौन सा है? मन रूपी मोबाइल हमारे पास में। पुराने लोग कहा करते थे आज हिचकी आ रही है, कोई याद कर रहा है, घंटी बज रही है टेलीफोन की। पहले मोबाइल नहीं थे तो लोग मन की भाषा को समझते थे, मन की आवाज को समझते थे, और अब मोबाइल आ गए तो मन की आवाज सुननी बंद हो गई, क्योंकि बाहर का शोर जब बजता है तो अंदर की आवाज सुननी बंद हो जाती है। आप कहेंगे मुझे कई बार अनुभव हुआ, मैंने जब मोबाइल खरीदा तो भजनोपदेशकों में सबसे पहले मैंने मोबाइल खरीदा, मेरे से पहले किसी पर मोबाइल नहीं था, और उस समय खरीदा था जब 10 रुपए। आंख खोल कर मुझको ही देखा होगा हर सूरत में मेरी सूरत को तूने ढूंढा होगा, अंत समय में तूने प्रभु से और समय मांगा होगा, मेरा बेटा आता होगा तूने यही कहा होगा, अंत समय भी मेरा तुझको आया होगा ध्यान मां, तुझसे बढ़ी कर और क्या तुमने माता पिता की सेवा की? कहने लगे जी मैं तो ये काम भी नहीं कर पाया। ये माँ की सेवा तो करता है पर कौन सी माँ की करता है? 8 हाथ वाली की। हमने कहा 2 हाथ वाली की कर ले, पर ना, 2 हाथ वाली की कीमत नहीं जानता, ये दुर्गा माँ की तो पूजा करता है, सारी रात जागता है, और माँ अगर कह दे बेटा जरा सा एक गिलास पानी पिला दे तो कहने लगे बिनौले खाए थे, सारी रात परेशान करती रहती है। पता चलता है जिस दिन तुम अपनी माता को समझ जाओगे, परमात्मा इसीलिए कहते हैं क्या माता पिता की सेवा की? कहने लगे ये काम नहीं कर पाया। तो पूछा और क्या किया? क्या जितेंद्रिय कहलाया नहीं, क्या जितेंद्रिय कहलाया नहीं, और सुशीलता का गुण धर्मयुक्त पुरुषार्थ किया नहीं, कभी नहीं, फिर और भला क्या किया तेरा जाप किया हो।